हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं एक पुलिस रोबोट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये रोबोट का साइज आप देख सकते हो गाइस, बहुत ज्यादा बड़ा साइज है इसका। मेरे कैमरा के फ्रेम में ही ये पूरा रोबोट नहीं आ पा रहा है। तो गाइस, इस रोबोट को मैंने खरीदा है फ्लिपकार्ट से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इस पुलिस रोबोट को खरीद भी सकते हो। तो भाई, इसका नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, RS पुलिस इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी रोबोट बोलकर है। भाई बहुत बड़ा नाम रखा है इन लोगों ने इस रोबोट का। दोस्तों, इसे अनबॉक्स करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, तो उसका सही सही आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में फटाफट से दे देना। आपका सबसे फेवरेट सुपर हीरो कौन है गाइस, मुझे नीचे कमेंट करके अभी का अभी जल्दी बता दो। मेरा तो सबसे ज्यादा फेवरेट सुपर हीरो है स्पाइडरमैन। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना दोस्तों, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो भाई, यहाँ से आ चुका है हमारा रोबोट बाहर। तो सबसे पहले हमारे रोबोट को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं हम लोग, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैं आपको निकाल कर दिखा दूंगा। तो चलो फटाफट से, रोबोट आ चुका है हमारा बाहर, और यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। रोबोट को चार्ज करने के लिए हमें एक USB चार्जर देखने को मिलता है। ये रोबोट है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और यहाँ पर हमें कुछ डार्ट्स भी देखने को मिलते हैं इसके हैंड में लगाने के लिए। यही चीज़ें ये शूट करता है अपनी हैंड से। तो फिलहाल इन चीज़ों को मैं रखता हूँ साइड में। और यहाँ पर है इसका रिमोट। रिमोट देखने में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, पूरी तरीके से वाइट कलर का है, और इसके अंदर इतने ढेर सारे बटन्स वगैरह दिए गए हैं। इसके बारे में बात करते हैं बाद में, पहले मैं आपको हमारा रोबोट दिखा देता हूँ गाइस। भाई काफ़ी ज़्यादा भारी है यार ये रोबोट। इस रोबोट के अंदर इसका ये जो फेस है, फेस के अंदर बहुत सारी लाइट्स वगैरह दी गई है। यहाँ पर एक स्विच हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर लिखा है रोबोट बोलकर। और ये जो हैंड है पूरी तरीके से ये मूव भी कर सकता है, और हम इसके हैंड को पूरी तरीके से रिमोट से कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ से इसकी जो मोटर है, सारी मोटर्स पीछे की ओर लगी हुई है, यहाँ से इसे पावर मिलता है। और ये जो हैंड है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैंड है गाइस इसका है। यहाँ पर हमें डार्ट्स लगाने होते हैं, यहीं से शूट करता है। 3 डार्ट्स तक हम इसके अंदर लगा सकते हैं। और ये भी जो हैंड है इसका, पूरी तरीके से हम लोग रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हो पूरी तरीके से वायर्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है इसके हैंड के अंदर शूट करने के लिए। और इसके जो लेग्स है काफ़ी स्टडी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बनाए हुए हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर 2 व्हील्स लगे हुए हैं, इस तरफ भी 2 व्हील्स है। ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगी मेरे को। पीछे की तरफ यहाँ पर एक स्पीकर दिया हुआ है इसके अंदर, यहाँ से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से हम इस रोबोट को चार्ज वगैरह कर सकते हैं। पीछे की तरफ से इस तरह से नज़र आता है ये रोबोट। ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और इसका ये जो लुक है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा गाइस मेरे को। और इस पर जो फिनिशिंग वगैरह की गई है काफ़ी अच्छा नज़र आता है देखने में ये रोबोट। तो चलो अभी मैं इसका रिमोट भी आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, उसके बाद चलेंगे बाहर इस रोबोट को पूरी तरीके से टेस्ट वगैरह करने के लिए। इस रिमोट के अंदर यहाँ पर नेविगेशन बटन्स दिए हुए हैं, लेफ्ट राइट या फिर फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए इस रोबोट को, ये भी बिल्कुल वही बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन बटन, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, फाइटिंग करा सकते हो, अटैक कर सकता है ये रोबोट, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। जहाँ तक गाइस इन बटन्स की क्वालिटी है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बटन्स दिए हुए हैं। जैसे ही आप इसे प्रेस करते हो, ये बटन देख रहे हो गाइस, पूरी तरीके से अंदर चले जाते हैं। ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी इस रिमोट के बारे में। पर रिमोट की जो बिल्ड है काफ़ी अच्छी है। पीछे हमें यहाँ पर 2 AA बैटरीज डालनी होती है, बैटरीज मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाल के रखी हुई है। तो चलो दोस्तों, इस रिमोट को यूज़ करके इस रोबोट के मैं आपको सारे फीचर्स अभी का अभी टेस्ट करके बता देता हूँ। दोस्तों, इसको ऑन कर लेते हैं अभी। तो भाई, ये था छोटा सा डेमो इस रोबोट का। तो अभी इसके जो हैंड में यहाँ पे गन लगी हुई है, इसके अंदर हम इसके डार्ट्स लगा देते हैं।
तो गाइस इसका रिमोट ले लिया है मैंने। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन मोड को ऑन करके देखते हैं। तो इस शूटिंग के मामले में ये जो रोबोट है मेरे को उतना कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो डार्ट्स है ये डार्ट्स एक दूसरे से टकरा रहे थे इसके अंदर लगाने पर, इस वजह से ये दो ही डार्ट्स जो है शूट कर रहा है, एक डार्ट यहीं पर ही इसके अंदर रह जा रहा है। तो इसके और भी फीचर्स देख लेते हैं। इसके ये दोनों हैंड्स है, आप चाहे तो रिमोट से कंट्रोल भी कर सकते हो। ये रहे इसके बटन्स। तो इस तरह से पूरी तरीके से आप इसके हैंड्स जो है कंट्रोल कर सकते हो गाइस। तो अभी ये वाले हैंड को कंट्रोल करता हूं मैं। देख रहे हो इतनी ऊपर तक ये अपने हैंड्स भी उठा सकता है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे दिख रहा होगा गाइस ये जो डार्ट्स है एक दूसरे से मिल रहे हैं यहां पर, इसीलिए जो है ये रोबोट सही से डार्ट्स को शूट नहीं कर पा रहा है। ये जो रोबोट है और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है, जैसे कि डांस कर सकता है, म्यूजिक बजा सकता है, स्टोरी सुना सकता है। आप चाहे तो इसके अंदर जो वॉल्यूम आ रहा है वॉल्यूम को अप डाउन भी यहां से कर सकते हो। तो अभी इसका डांस वगैरह भी देख लेते हैं यार। तो गाइस डांस के नाम पे ये जो रोबोट है अपने हाथ ऊपर नीचे करता है और आगे पीछे थोड़ा बहुत चल के बता देता है। अभी म्यूजिक भी देख लेते हैं इसके अंदर। तो अभी स्टोरीज वगैरह भी चेक कर लेते हैं कौन सी स्टोरी सुना सकता है हमारा रोबोट। तो इस रोबोट को भी फॉरवर्ड बैकवर्ड भी करके देख लेते हैं इसके बटन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। दोस्तों इस रोबोट का मैं आपको साइज भी कंपेयर यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो हमारे थानोस को तो आप पहचानते ही होंगे। मैंने थानोस को इसलिए यहाँ पे रखा था कि गाइस ये जो हमारा पुलिस वाला रोबोट है इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत फायरिंग वायरिंग करके दिखाएगा, पर ये जो रोबोट है इसकी फायरिंग सही से काम ही नहीं करती यार। देखने में काफी अच्छा है, इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो इस रोबोट की भी मैंने बहुत दिन पहले वीडियो बनाई थी, तो इन दोनों का साइज आप कंपेयर देख सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ा है गाइस ये रोबोट। इसको मैंने 2000 में खरीदा था, इसको 3800 कुछ प्राइस चल रहा है इसका अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट पर। दोस्तों इस रोबोट को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है काफी ज्यादा हाई थी, पर इसे टेस्ट करने के बाद आप लोगों ने भी देखा होगा मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस जो है
धराशायी हो चुकी है यार। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जो रोबोट है बिल्कुल भी सही से शूट नहीं कर पाएगा। तो शूटिंग के मामले में ये जो रोबोट है बिल्कुल ज़ीरो लगा मेरे को। पर दोस्तों ये जो रोबोट है काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश नज़र आता है और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी नज़र आता है। तो अगर आप कुछ अलग सा दिखने वाला रोबोट खरीदना चाहते हो तो ये रोबोट को ज़रूर से खरीद सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है अजय, तमीम, रमेश, इंद्रजीत वाला, धीरज, नित्या, सूर्यांश मेहरा, दीपांशु, आदित्य बंसल, पीयूष कुमार। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार आरसी रोबोट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।